नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। वैसे तो जब से कोरोना आया है तब से कई देश दिवालिया हो गए हैं और कई देशों के लोग भूखमरी के शिकार हैं। इसमें जो नया नाम जुड़ा है वो है श्रीलंका का, जहां आर्थिक संकट काफी बड़ा हो गया है और श्रीलंका भारत और चीन के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। भारत ने भी काफी मदद की है और फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति को और आर्थिक मदद का वादा भी किया है। इस बीच अब पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबरों की माने तो पाकिस्तान किस कदर आर्थिक संकट के जाल में फंसा है, आप इसका अंदाजा वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के एक पाक टीवी के एक इंटरव्यू से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आर्थिक रूप से आजाद नहीं रहा। एनएसए मोईद यूसुफ ने माना कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में ऐसा फंसा है कि अब उसे दूसरे देशों की शर्तें माननी पड़ रही हैं। आप इसे सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने पहली बार यह माना है कि उसकी आर्थिक आजादी चली गई है। यह बयान इमरान खान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय बन गया है। मोईद यूसुफ ने कहा कि हमारी सरकार जनता की मांग को पूरा नहीं करती है, ऐसे में हमें बाहर कर्ज के लिए जाना पड़ता है और जब हम बाहर पैसा मांगने जाते हैं तो हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। इसी बातचीत में मोईद ने आगे कहा कि ऐसे में हम जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। मोईद ने इसे और बड़े पैमाने पर कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र ना हो। इससे पहले पाकिस्तान एनएसए मोईद यूसुफ ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक सुरक्षा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो इस बात से पाकिस्तान की स्थिति को समझा जा सकता है और जाना भी जा सकता है कि पाकिस्तान और इमरान खान की हालत क्या है। यहां पर एक और जानकारी देते चले कि मोईद ने अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जिसे पिछले महीने कैबिनेट ने समर्थन दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस नारे के साथ इमरान खान को सेना ने सत्ता दिया था उसका क्या हाल है और कैसे पाकिस्तान दलदल में जा चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया खत्म हो रहा है, पाक जनता भूखे मर रही है और बेरोजगारी महंगाई से जनता की सांसें उखड़ रही हैं। ऐसे में एक बड़े अधिकारी का दुनिया के सामने यह कहना कि हम आर्थिक गुलाम हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि इस बयान पर इमरान खान क्या कहते हैं और इस सच्चाई का बचाव कैसे करते हैं।